श्रीमासन जी, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आप जानवरों का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली दे आर द स्पेशल। दरअसल जानवरों से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम उन्हें काम पे लगाते हैं। वो कैसे? देखिए, गाय के बारे में तो हम सब जानते हैं, गाय दूध देती है, पर 4-5 बछड़े पैदा करने के बाद जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग समझते हैं कि गाय बेकार हो गई है। इसी तरह लोग कचरे को भी बेकार समझते हैं, पर माइनस और माइनस के मिलने पर ही प्लस बनता है। बस इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ने की जरूरत है। इसलिए हम सब्जी मार्केट से हर 4 घंटे में बचा हुआ माल उठाते हैं। कुदरत ने हर चीज के लिए वक्त दिया है, अगर उस वक्त के अंदर आप सही इस्तेमाल कर ले तो वो चीज बेकार नहीं रहती, उसमें से कुछ काम की चीज निकलती है। इसलिए हम अपने प्रोजेक्ट में गाय को अपॉइंट करते हैं, हर 35 किलो छिलकों के लिए एक गाय। उनका काम है इन सब्जियों के ताजे छिलकों को खाना, गोबर देना और फिर शेड में आराम करना, रिटायर्ड जिंदगी जीना। सिर्फ 8 घंटे में सारा कचरा घट के गोबर के रूप में 1/4 हो जाता है, और इस गोबर में काफी मात्रा में ईंधन वाली मीथेन गैस होती है। हम तुरंत गोबर को बायो डाइजेस्टर में डाल देते हैं, इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है और हमें बिना मीथेन के गोबर का एक घोल मिलता है। इसको हम तुरंत केचुओं के हवाले कर देते हैं। केचुए उसे खा लेते हैं और उनके पेट से जो बाहर आता है उसे कहते हैं वर्मी कास्ट। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद होती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद, इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। खेती के लिए बहुत अच्छा है। अगर बैक्टीरिया वाले तरीके से खाद बनाएं तो इसमें 45 दिन लग जाते हैं। और यहाँ देखिए, सोमवार की सुबह 6 बजे माँ सब्जियां काटती है, 9 बजे गाड़ी आकर उसका बचा हुआ हिस्सा ले जाती है, 10:30 बजे हम वो गाय को दे देते हैं, शाम 6 बजे तक गोबर निकल आता है। बायो डाइजेस्टर में गोबर से मीथेन निकाल ली जाती है और उसका घोल बचता है, उसे केचुए खा लेते हैं, और तीसरे दिन सुबह तक यानी 72 घंटों से भी कम समय में ब्लैक गोल्ड मिल जाता है। खाद बनाने का यह दुनिया का सबसे तेज तरीका है, कोई मशीनें काम नहीं कर पाएगी, वो भी बिजली का इस्तेमाल किए बिना। देखिए, आपके पास जो मोबाइल फोन है, चार्ज न करो तो बेकार है, टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, लेकिन गाय जो भी खाती है उसे एनर्जी बनाकर हमें देती है, और गाय को रोज चार्ज भी नहीं करना पड़ता। और दूसरे जानवर का इस्तेमाल कैसे होता है, मसलन मुर्गियां क्या करती हैं? जो सड़ी गली चीजें गाय को नहीं दे सकते उसे हम सीधा कॉम्पोस्ट पिट में डाल देते हैं, पर वहाँ उसमें मैगेट्स पैदा हो जाते हैं। मैगेट्स मतलब वो छोटे छोटे कीड़े? छोटे कीड़े। ये कीड़े मुर्गियों को बहुत पसंद है, चुन चुन के खा लेती है, और बदले में अगले दिन सुबह बेहतरीन अंडे देती है। जो लोग कीड़ों को देखकर मुंह बनाते हैं वो अगले सुबह उन अंडों से बने ऑमलेट को बड़े मजे लेकर खाते हैं। कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन ये नहीं कर पाएगी। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो कीड़े खाए और अंडे दे। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर चीज में जहाँ कुछ खूबियां होती हैं, वहाँ कुछ खामियां भी होती हैं। मुर्गियों के साथ एक परेशानी है, आप चाहे पूरा दिन उनसे काम ना लें, आराम करने दें, फिर भी वो रात को काम नहीं करेंगी। तो रात को कौन काम करता है? रात को हमें मेंढक को काम पर लगाना पड़ता है, और वो सिर्फ नाइट ड्यूटी ही करते हैं। कुदरत का करिश्मा है, एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, ना तनख्वाह मांगते हैं, ना बोनस, ना यूनियन बनाते हैं, ना हड़ताल करते हैं, बस अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सही है। तो मुझे बताइए कि ये बतखें क्या करती हैं? बतख का पसंदीदा खाना है मछलियाँ। अब मछली बाजार का कचरा म्युनिसिपैलिटी के लिए सरदर्द होता है, पर वही मछलियाँ बतख के लिए दावत है। तो अगर आप हर 3 घंटे में मछली बाजार का कचरा उठा के बतखों को दे दे तो ये तुरंत हजम कर लेंगी, 15-20 मिनट में सब कुछ सफाचट, और कचरा अगले दिन बतखों के खूबसूरत अंडों में तब्दील हो जाएगा। आमतौर पर बतखें हर महीने 8 से 10 अंडे देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें मछलियों और दूसरे नॉनवेज की खुराक देते हैं तो 24-24 अंडे देना शुरू कर देती हैं। And if I have 20 ducks, then multiplied by. हम हर 11 मादा पे एक नर बतख रखते हैं। Why 11 female and 1 male? हमें तो अंडों से मतलब है, एक ही नर बतख काफी है।